भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शुक्रवार को धरना दे दिया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए माफिया के खिलाफ अभियान के बारे में बातचीत करने के लिए अधिकारियों को बुलवाया था। जब अधिकारी नहीं आए तो उन्होंने धरना शुरू कर दिया। विजयवर्गीय ने अधिकारियों को यह संदेश भिजवाया था कि वे सभी रेसिडेंसी कोठी पर पहुंचे, वहां पर माफिया के खिलाफ अभियान को लेकर चर्चा की जाएगी। विजयवर्गीय के इस संदेश के बावजूद डीआईजी, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त आदि अधिकारी रेसिडेंसी कोठी पर नहीं पहुंचे। इस स्थिति को देखकर अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए विजयवर्गीय अपने साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रेसिडेंसी कोठी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि सरकार से सीधा मुकाबला किया जाएगा।